फ्रेंड्स, जब हमारे स्मार्ट टीवी में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा जो टीवी है वो हैंग होने लग, या किसी कारणवश हमारा जो टीवी का एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं होता है, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि हम अपने टीवी को रीसेट कर दें, यानी कि फॉर्मेट कर दें। जिस तरह हमारे मोबाइल में कोई समस्या हो जाता है तो हम अपने स्मार्ट मोबाइल को फॉर्मेट कर देते हैं, तो उसी तरह हम आपको बताएंगे कि आप भी अपने एंड्रॉयड टीवी को फॉर्मेट करके सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए पहले आपको सेटिंग्स में आना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मेरा एंड्रॉयड टीवी है वो मेरे ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड है। अब मैं इसको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। तो बस दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, आपको डिवाइस एंड प्रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास रियलमी का टीवी है। सबसे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीसेट, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीसेट एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम फटाफट क्लिक कर लेते हैं। बस हम यहाँ, इसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। जैसे कि हम अपना फ़ोन रीसेट करते हैं तो हमें थोड़ा सा समय लगता है अपना फ़ोन स्टार्ट होने में, जैसे कि सारा एप्लीकेशन जो है वो फिर से लॉन्च करता है, उसके बाद हमारा जो फ़ोन स्टार्ट करता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है दोस्तों। इसमें भी जितने एप्लीकेशन दिए गए हैं इस टीवी के अंदर, वो सारे एप्लीकेशन फिर से लॉन्च करेगा ये, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रियलमी टीवी लिख के आ गया है। अब ये फॉर्मेट हो रहा है, मतलब इरेजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने भी सॉफ्टवेयर हमने अलग से डाउनलोड किया था, या फिर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, या फिर कोई म्यूज़िक वीडियो भी हमने जो भी रखा था इस टीवी में, वो सारे चीज़ डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इरेजिंग करके आया था, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रियलमी टीवी करके लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है। अब इसको लिख के हमको थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। अब ये वापस से चला गया रियलमी टीवी, अब ये फिर से ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एंड्रॉयड, जब भी हमारा एंड्रॉयड टीवी, आप किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड टीवी अगर आपके पास है, चाहे वो रियलमी हो, मी टीवी हो, या फिर कोई भी ब्रांड हो, आपके पास अगर एंड्रॉयड टीवी है तो इस तरह का इंटरफेस जरूर आता होगा। चाहे नॉर्मल में आप टीवी अपना स्विच ऑफ करके ओपन करते हो, या फिर दोस्तों आप फॉर्मेट करके देखते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा चलता है, तो अगर आपका टीवी में 5-10 मिनट भी चल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये प्रोसेस लंबा चलता है। तो वीडियो को मैं बीच में कट कर दे रहा हूँ, ताकि ये जो प्रोसेस लंबा चलता है तो आपको ये ना समझ में आए कि दोस्तों मैं वीडियो लंबा कर रहा हूँ। तो अगर आपके भी टीवी में ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा चलेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो अभी प्रोसेस जो चल रहा था ये कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड्रॉयड लिख के ऑप्शन यहाँ पे कुछ आया, और इसके बाद यहाँ पे आगे का इंटरफेस क्या आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और लैंग्वेज मेरा इंग्लिश ही रहेगा। और यहाँ पे जो लोकेशन है, लोकेशन मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो आपका रिमोट है वो ब्लूटूथ से चलता है, मतलब कि पेयर करके चलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो भी अपना टीवी जब अपना फॉर्मेट करोगे दोस्तों, तो वो टीवी ब्लूटूथ भी कनेक्ट छोड़ देता है, मतलब कि आपके जो रिमोट है वो आपको टीवी के सामने ले जाकर प्रेस करना होगा। ये दोस्तों मेरा टीवी का जो रिमोट है, इसको पेयर करने के लिए बोल रहा है। तो ये बटन जो हमको बता रहा है कि यहाँ पर जो बैक बटन और पावर बटन का हमको प्रेस करके रखना है, ओके बटन, तो प्रेस करके रखना है 3 सेकेंड तक। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम वही बटन मैं प्रेस करके रख रहा हूँ 3 सेकंड तक। अब ये स्टील पेयरिंग लिखा, और ये रिमोट कंट्रोल पेयर, अब ये कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ द्वारा। अब हम इसको कहीं से भी प्रेस करते हैं तो ये हमारा जो रिमोट है वो काम करेगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन से लिंक करना है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं करना है तो स्किप वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। चलिए, हमको अभी एंड्रॉयड टीवी अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं करना है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी एक वाईफाई अवेलेबल है, तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर आप डायरेक्ट स्किप भी कर सकते थे दोस्तों, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाईफाई से कनेक्ट ही करो। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों टर्म्स एंड सर्विस के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोकेशन भी यस कर देते हैं, यहाँ पे भी यस करते हैं। अपने टीवी का नाम सेलेक्ट करना है, AL पॉइंट रखना है, एंड्रॉयड टीवी रखना है, लिविंग रूम पर रखना है। तो चलिए हम एंड्रॉयड टीवी पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी हमको फॉलो करना है इसको हम आगे के स्टेप में जाते हैं। तो आगे का स्टेप ये है कि दोस्तों हमें पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पासवर्ड हमें ध्यान रखना है, 40 प्रेस नहीं करना है। 40 अगर हम पासवर्ड लगाते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड इसको कर देगा। तो हम कोई भी सा भी 4 पासवर्ड लगा लेते हैं, एक एक करके 4 पासवर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको एक बार फिर से हम कंफर्म कर देते हैं। अब ये पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया रजिस्टर्ड।
यहाँ पे क्रोमाकास्ट बिल्ट इन ऑलवेज अवेलेबल आपको रखना है दोस्तों। यहाँ इसको हमने ऑफ कर दिया दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसको ऑन करना है। देखो मैं फिर से इसको ऑन कर दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप इसको ऑफ करते हो तो आपका क्रोमाकास्ट नहीं काम करेगा, इतना आप ध्यान में रखिए दोस्तों। तो क्रोमाकास्ट को आपको ऑन करके रखना है। ट्यूनर मोड भी आप एंटीना या केबल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे चैनल को स्कैन नहीं करना है, डायरेक्ट अपने स्किप स्कैन पर कर देना है, क्योंकि मेरा जो डीटीएच के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो टीवी है वो फाइनली रीस्टार्ट हो चुका है, मतलब कि फॉर्मेट हो चुका है, रीसेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन दिए गए हैं वो मेरे टीवी के साथ ही एप्लीकेशन है, जो कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन सब के अलावा दोस्तों। चलिए अब हम वाईफाई कनेक्ट करके देख लेते हैं। वो अभी मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, मैं कट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे एप्लीकेशन जो टीवी में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।